ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रवचन नहीं प्रयोग को चरितार्थ करते हुए दुर्ग शहर में पहली बार नए दृष्टिकोण वाले शिविर का भव्य आयोजन दुर्ग नगर की जनता के बीच पद्मनापुर मिनी स्टेडियम में किया गया, जिसमें लगभग 2500 लोगों ने इस शिविर में भाग लिया। पद्मनापुर मिनी स्टेडियम में सन दो वुमन फाउंडेशन के सदस्यों के विशेष पुरुषार्थ से इस आयोजन में शहर के लोगों की शानदार भागीदारी भी रही। विधायक अरुण वोरा और शहर के प्रतिष्ठित वर्ग के लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। प्रणाम, मेरा नाम परम भक्ति है, सेंट्रल ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से, और दुर्ग में पहली बार बहुत ही सुंदर नए दृष्टिकोण वाले शिविर का आयोजन हुआ है। ये 3 दिन का कैंप है, 16 से 18 दिसंबर, और शुरुआत के 2 दिन आज पूर्ण हुए, कल अंतिम दिन बचा है। इस कैंप में राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट मेडिटेशन पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रयोग कराए जाते हैं, ताकि हमारा जीवन स्वास्थ्य के लेवल पर, या हम कहें हमारे मन के लेवल पर, या उससे भी ब्रॉड कहें हमारे ब्रेन का जो विजन है वो थोड़ा एक्सपैंड हो सके। जो आज छोटी छोटी समस्याएं हम सभी को, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को तनाव बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, इसके अलावा कहते हैं फैमिली में प्रॉपर हारमोनी नहीं होती है, ये जितनी भी सब समस्याएं हैं, इन सब का समाधान हमारे ही ब्रेन के पास होता है। ना केवल मेडिसिन से मुक्त होना, बल्कि पूरे जीवन को बहुत सुंदर करना आसान है। तो ऐसे कुछ बहुत ही सुंदर और साइंटिफिक प्रयोग यहाँ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम से आपको इतने अद्भुत प्रयोग कराए जाते हैं कि आपको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप और नेचर साथ मिलके इतने प्यारे प्रयोग आप कहीं मीटिंग में बैठे हुए कर सकते हैं, कहीं जाते हुए, खड़े होते हुए कर सकते हैं। और ऐसे प्रयोग करके जब जीवन सुंदर होता है तो ये कितना आसान है। तो यही कैंप बहुत सुंदर रूप से पहले 2 दिनों में तकरीबन 2500 मित्रों ने इसका लाभ लिया। दुर्ग में पहली बार हुआ, पर दुर्ग वासियों ने इसका भरपूर लाभ लिया है। कैंप खत्म होने के बाद आपको 15 से 20 आइटम्स वाला अल्कलाइन नाश्ता भी दिया जाता है, जो न केवल तत्वों से भरपूर होता है, जो केवल आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके ब्रेन को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। ये कैंप केवल कुछ छोटे, कहते हैं एक उम्र वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि 5 वर्ष से लेकर 90 साल तक का हर व्यक्ति ऊर्जा से लबालब भरा रह सकता है। तो वो कैसे हो, उसकी कुछ सरल प्रयोग हम यहाँ करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि मैं भी खुद एक यंगस्टर हूँ, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, एंड यंगस्टर्स आज इस चीज को बहुत सुंदर रूप से समझ सकते हैं कि जितनी एनर्जी है अगर केवल बाहर वेस्ट कर देंगे तो अपनी लाइफ में जो हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो इसे और अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, तो एनर्जी बचेगी नहीं। इस एनर्जी को डायरेक्शन देने के यहाँ प्रयोग कराए जाते हैं, तो मैं चाहूंगी आप इसमें जरूर भाग लें।